नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में आज चर्चा होने जा रही है यहां पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। तो कम्युनिटी बाजार के अपडेट से शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोना जो बीते बुधवार को वो एक तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। दरअसल जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं और जो डॉलर है उसके अंदर थोड़ी वीकनेस देखने को मिली थी, जिसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक उछाल, थोड़ा सा उछाल देखने को मिला था। इस वक्त देख रहे हैं कि सोना $1,789 पर और सिल्वर $22 पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। देख रहे हैं कि जो सोने का जो भाव है कल के मुकाबले कुछ सुधरता हुआ नज़र आया है। और दूसरा, ये जो कंज्यूमर प्राइस का जो डेटा निकल के सामने आया है अमेरिका का, उसकी वजह से भी सोने चांदी की कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नज़र आया है। तो आज सोने चांदी के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज सोने चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले एक बढ़त बनती हुई नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है आज सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अगले, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि सोने और चांदी के अंदर हर निचले स्तर पर बाइंग में ही रहना, किसी को अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेकर चलना है तो इसके अंदर खरीदारी की तरफ रहना चाहिए। और आप देखिए कल के कारोबारी सत्र में सोने की कीमतों में अच्छा उछाल देखने को मिला है और भाव 47,800 के भी पार चले गए हैं। अभी देखा जाए तो निवेशकों का सोने में एक बार फिर से इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दिया है और ग्लोबल एनर्जी संकट की वजह से भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। जिस तरीके से क्रूड के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है कि एनर्जी का संकट गहरा सकता है, उसका सीधा इंपैक्ट हमें गोल्ड की कीमतों के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सोना अभी फिलहाल ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब काफी महत्वपूर्ण ट्रिगर्स भी आने वाले हैं, लाइक निवेशकों को FOMC की मीटिंग का भी इंतजार है, उसके मिनट्स निकल कर आने हैं। US के CPI के आंकड़ों पर भी अभी नजर रहेगी और US फेड अगले महीने टैपिंग का भी ऐलान कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कीमतें को अभी फिलहाल जो है वो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी माना जा रहा है कि सोना यहाँ से अभी और अपसाइड ले सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि $1,780 के ऊपर निकलता है तो आप मान के चलिए $1,820 तक ऊपर जा सकता है। और वहीं घरेलू बाजारों में भी जो रेंज थी 46,000 से 47,000 की, काफ़ी लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि उसी दायरे में कारोबार कर रहा था, वो टूटती नजर आई है। और कल के मुकाबले आज ज़रूर सोना गिरा हुआ है, आज इंट्राडे में ज़रूर दबाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थोड़ा सा लंबा होरिजन लेकर चलते हैं तो आप देखिए निचले स्तरों पर अभी भी रिटर्न देता हुआ ही दिखाई दे रहा है और अभी भी तेजी की तरफ ही है। और मेरे हिसाब से अभी भी सोने में बाइंग ही रखना चाहिए, थोड़ा सा भी डिप आए 47,500-46,000 की रेंज में तो वहाँ पर बाइंग करें, ऊपर में 48,000 के ऊपर जल्द ही हम सोने को जाता हुआ देख सकते हैं। रूपा जी, इसे बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में आपको क्या लगता है? देख रहे हैं कि WTI इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त $80 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $83 पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। देखिए क्रूड ऑयल में भी तेजी का ही रुझान है, जिस तरीके से एनर्जी की डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है और कच्चा तेल ना केवल डोमेस्टिक में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि अक्टूबर की जो एक्सपायरी है वो 6100 के ऊपर हो सकती है, आप देखिए आज 6100 के ऊपर अक्टूबर वायदा निकल चुका है और 6120-6140 मैक्सिमम हमें लग रहा है कि एक बार वहां तक जा सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में $80 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है और ऊपर में और तेजी पकड़ते हैं तो हो सकता है आपको 6180 से लेकर 6200 का भी स्तर डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल जाए एक्सपायरी के आसपास। अभी फिलहाल जो है जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो फिलहाल तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से डिमांड का इम्पैक्ट आ रहा है वो मेन जो है असर है जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बढ़ती कीमत से महंगाई बढ़ने का भी अभी फिलहाल खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ज्यादा महंगाई का बुरा असर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकास दर पर होगा और वहीं भारत, चीन और यूरोप में भी महंगाई जो है वो बढ़ने के आसार पर है। तो कहीं ना कहीं सभी जगह पर अगर हम देखें, इंटरनेशनल सिनेरियो भी देखें और डोमेस्टिक भी देखें, तो फिलहाल बाजारों के अंदर तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे ये है कि अगर नेचुरल गैस की कीमत बढ़ती है तो हो सकता है कि आपको कच्चे तेल की डिमांड के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे तो बाजार फिसल जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो कच्चे तेल की ही डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और MCX पर जिस तरीके से क्रूड
ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स में WTI ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे सिनेरियो और फंडामेंटल और टेक्निकली अगर देखा जाए तो बाजार फिलहाल तेजी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। और क्रूड ऑयल नवंबर जो WTI है वो ऊपर में $85 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप मान के चलिए $85 निकल सकता है। और ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट जो है नीचे में $85 के बाद $88 तक की तेजी पकड़ सकता है। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, एक करेक्शन जरूर बन सकती है, उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हर निचले स्तर पर बाइंग करके चला जा सकता है। जी ये सर, रुपये जी नजर डालें अगर बेस मेटल्स के बाजार की तरफ, देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स के अंदर शानदार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। MCX जिंक 4.5% की तेजी के साथ 295 पर, MCX निकल 1.5% पर 1502 के स्तर पर और लेड 183 पर है। कॉपर भी देख रहे हैं कि 1.5% की तेजी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में $4.5 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में जो अचानक से तेजी बनती नजर आई है, क्या ये इस पूरे सप्ताह कायम रह जाएगी? देखिए बिल्कुल अखिलेश, अभी तेजी जो है वो रुझान कॉन्टिन्यूशन में है और लगातार मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनी रह सकती है। जिस तरीके से बाजारों के अंदर अपसाइड मोमेंटम बना है और आप कॉपर को देखिए, लगातार हम कहते आ रहे हैं कि 700 के ऊपर जब तक सस्टेन है तेजी पकड़ेगा। और आप देखिए 767 का लेवल जो है कॉपर ने भी छू दिया है, निकल वापिस से 1500 के ऊपर जा चुका है, जिंक में अच्छी तेजी आई है। जिंक तो आप कहिए देखिए 292 के पास चला गया है, तो जिंक में बहुत अच्छा जो बुल रन है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। 2.5 साल की ऊंचाई पर इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंच चुका है और 13 साल की ऊंचाई पर एल्यूमिनियम की कीमत पहुंची है। तो ओवरऑल सब जगह पर तेजी है। दरअसल महंगाई बढ़ने की आशंका से बेस मेटल में तेजी देखने को मिली है और जो एनर्जी की कीमतें बढ़ रही है इससे भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। तो जो अब सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है कि ना केवल डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सब जगह पर महंगाई का खतरा बढ़ गया है, उसके चलते सभी कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स भी लगातार तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी के साथ आज भी 5-5, 6-6% का अपसाइड मोमेंटम है। डोमेस्टिक मार्केट भी आज तेजी के साथ खुले हैं। जिंक तो ऑलरेडी 5% के तेजी आज सुबह खुलते ही बाजारों में दिखा रहा है। कॉपर में भी तेजी है, निकल में भी तेजी है। तो सभी बेस मेटल्स में निचले स्तर पर बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए। एज यूजुअल मैंने हमेशा ही ये रिकमेंड किया है कि बेस मेटल्स के अंदर आपको जब भी डिप मिलती है आप उसके अंदर बाइंग करके चलिए, आपको आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाइंग किया होगा आज उनको अच्छा मुनाफा हो भी रहा होगा। तो अभी भी बेस मेटल में काफी पोटेंशियल है और अगर ये महंगाई और बढ़ती है जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है तो सभी जगह पर कीमतों में उछाल आता हुआ दिखाई देगा। जी रूपा जी, जाना चाहेंगे जिस हिसाब से बेस मेटल्स के अंदर और कच्चे तेल में तेजी बनती हुई नजर आई है, तो उस हिसाब से आज के नॉन एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए यार, नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें तो अखिलेश मुझे लगता है कि निकल में भी पोटेंशियल बाकी है। 1520 से लेके 1540 निकल जा सकता है। क्रूड की बात करें तो क्रूड थोड़ा साइडवेज हो सकता है लेकिन स्टिल बाय किया जा सकता है 20-40 रुपए का अपसाइड मोमेंटम पकड़कर। 6120-6140 का अभी जो है इमीडिएट टारगेट हम लेकर चल सकते हैं। और निकल के बाद मुझे लगता है कि अभी कॉपर में भी पोटेंशियल है, कॉपर भी अभी 780 तक ऊपर जा सकता है। तो ये कमोडिटीज के अंदर अभी फिलहाल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।